नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम काइजन के बारे में कि काइजन क्या होता है, फादर ऑफ काइजन किन्हें कहा जाता है, रियल लाइफ एग्जांपल काइजन के कौन कौन से होते हैं, इंडस्ट्रीज में काइजन को कैसे यूज किया जाता है और काइजन फॉर्मेट क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे फिलअप किया जाता है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों काइजन, काइजन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम डिवाइड करें तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, काई और जन। काई का मतलब होता है चेंज और जन का मतलब होता है फॉर बेटर। तो इसका मतलब हुआ, काइजन का मतलब हुआ चेंज फॉर बेटर। काइजन का मतलब क्या हुआ? चेंज फॉर बेटर। अगर इसका हिंदी में हम मतलब समझे तो इसका मतलब हो जाएगा कि बदलाव करना कुछ अच्छे के लिए, मतलब कि कुछ अच्छे के लिए बदलाव करना, मतलब कि हम ऐसा चेंज करें, ऐसा बदलाव करें जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अब दोस्तों, क्योंकि काइजन जो एक इंडस्ट्रियल टर्म है, इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, तो अगर हम काइजन को अगर इंडस्ट्रियल हिसाब से देखा जाए तो काइजन का मतलब हुआ ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करना, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करना जिससे कंपनी को अल्टीमेटली प्रॉफिट हो सके, कंपनी को फायदा हो सके, उससे बोलते हैं काइजन। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में कि काइजन के रियल लाइफ एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं जो हम आसपास अपने देखते हैं जिन पर काइजन हुआ है, तो अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कार। तो दोस्तों, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि गाड़ियों में जब ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स मोड में लेता था, रिवर्स लेता था या बैक करता था, तो उसमें उसको पीछे की ओर देखना पड़ता था कि कहीं पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तभी वो गाड़ी को रिवर्स कर पाता था। पहले वो चेक करता था पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, उस कंडीशन में सेफ्टी उतनी नहीं थी, एक्सीडेंट के होने के चांस ज्यादा थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि गाड़ियों में एलईडी स्क्रीन लगी होती है। क्या लगी होती है? एलईडी स्क्रीन, जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है रियर व्यू कैमरा, जो आपको पीछे रोड के पिछली साइड में दिखाता रहता है, आपको गाड़ी के पीछे ऐसा दिखाता रहता है कि पीछे क्या क्या ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इससे क्या आसानी हो चुकी है काफी। तो ये काइजन का ही एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, पेंसिल। तो दोस्तों, आपने मार्केट में अवेलेबल है जो पेंसिल, कलरफुल पेंसिल काफी देखी होंगी। इस तरह की पेंसिल में क्या होता है, पीछे की तरफ एक रबड़ लगा होता है, तो ये भी काइजन का ही एग्जांपल है। ये दोस्तों छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर किया गया है ये काइजन, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब वो लिखना सीखते हैं तो उनको बार बार में गलती होने पर मिटाने के लिए रबर की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसका आयोजन किया गया ताकि वो उस पेंसिल के द्वारा ही लिख सके और जब जरूरत पड़े, जब गलती हो तो उसी पेंसिल में, क्योंकि हमने रबड़ दिया हुआ है, वो वहीं से उसको रब कर सके। तो ये एक काइजन है। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं एलईडी बल्ब। तो दोस्तों, आपने यहां से कुछ टाइम पहले देखा होगा कि जो हमारे घरों में बल्ब यूज होते थे वो काफी हाई वाट के होते थे, जो बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते थे। लेकिन आज टाइम चेंज हुआ और ऐसे बल्ब आ चुके हैं, एलईडी बल्ब आ चुके हैं, जो कम, बहुत ही कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ये एलईडी बल्ब। तो ये आपको मैंने तीन एग्जाम्पल दी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल जिन पे काइजन हुआ है, ताकि आप उनको इजिली समझ सके, आप कोरिलेट कर सके। अब बात करते हैं कि काइजन, फादर ऑफ काइजन किन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ काइजन, तो दोस्तों फादर ऑफ काइजन कौन है? मासाकी इमाई। क्या नाम है फादर ऑफ काइजन का? कौन है फादर ऑफ काइजन? मासाकी इमाई। मासाकी इमाई को फादर ऑफ काइजन कहा जाता है। अब बात करते हैं फील्ड की, कि काइजन को हम किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, काइजन को हम हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं,
चाहे आप बात कीजिए कॉस्ट कटिंग की, कॉस्ट कटिंग, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, आप हर क्षेत्र में काइजन को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि काइजन की जो इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं जिनसे हमें काइजन के बारे में पता चलता है, हम काइजन उन पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन पे कोई ऑपरेटर है, वो काम कर रहा है। अब ऑपरेटर की हाइट थोड़ी कम है जिससे उसको मशीन पे कोई पीस लगाने में, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसकी हाइट सुटेबल नहीं है, हाइट डिफरेंस है। तो अब मैं उस ऑपरेटर के लिए क्या काइजन कर सकता हूँ? मैं उसके लिए ये काइजन कर सकता हूँ कि मैं वहां पर उसके लिए एक स्टैंड बनवा सकता हूँ। क्या बनवा सकता हूँ? एक स्टैंड, जिससे क्या होगा, उस स्टैंड को उसके ऑपरेटर के नीचे लगाने से, पैर के नीचे लगाने से उसकी हाइट बढ़ जाएगी और वो इस मशीन पे आराम से काम कर सकेगा। ये आपका एक एग्जांपल था। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ये है दोस्तों कि मान लीजिए एक मशीन है, और मशीन में क्या है दोस्तों कि एक ऑपरेटिंग स्विच है जो मशीन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगा हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि ऑपरेटर को बार बार उस स्विच को अपने प्रोडक्शन बनाने के लिए उसको प्रेस करना पड़ता है, लेकिन उसको क्या है कि उसको मूवमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, उस ऑपरेटर को काम करने के लिए उस ऑपरेटिंग स्विच का यूज करना ही होगा, तो उसको क्या है पर मूवमेंट ज्यादा करना पड़ता है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा करने ज्यादा है। तो उसको हम खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको खत्म करने के लिए कर सकते हैं कि मेंटेनेंस की मदद से इस स्विच को हम इस मशीन के पास ही किसी एरिया में लगवा सकते हैं, ताकि क्या है इससे इसका मूवमेंट, ऑपरेटर का मूवमेंट कम हो जाएगा, साइकिल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते दोस्तों। मान लीजिए एक ऑपरेटर है, उसको काम दिया हुआ है कि उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक बॉक्सिस को मूव करना है, बॉक्सिस को मूव करना है। तो अभी क्या है, चाहे मान लो अगर बॉक्सेस का साइज छोटा भी है, तो कोई भी ऑपरेटर है वो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 बॉक्सेस एक बार में ले जा सकता है। तो अब मैं वहां पे क्या काइजन कर सकता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट निकले, कि मतलब एक बार में ज्यादा से ज्यादा हमारा आउटपुट निकले, ज्यादा ज्यादा बॉक्सेस को ले जा सके। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं ट्रॉली लगवा दूंगा। क्या करूंगा? ट्रॉली लगवा दूंगा, जिससे क्या है कि ट्रॉली पे रख के वो पीस को या बॉक्सेस को वो एक बार में ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जा सकता है, इजीली, आराम से, कंफर्ट के साथ। तो ये आपके मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं काइजन के, जो आपके इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे काइजन फॉर्मेट की, कि काइजन फॉर्मेट क्या होता है, इसको भरते कैसे हैं। तो दोस्तों काइजन फॉर्मेट हम सबसे इजी स्टेप से हम काइजन फॉर्मेट को भरना सीखेंगे। सबसे पहले यहां पे मान लेते कोई कंपनी का लोगो है, कंपनी का लोगो है या कंपनी का नाम है। उसके बाद काइजन सीट यहाँ पे लिखा है, मान लो काइजन सीट है, काइजन फॉर्मेट लिखा हुआ है, काइजन फॉर्मेट। यहाँ पे डेट डेट लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है काइजन एरिया। काइजन एरिया मतलब आपने किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आपने काइजन किया है। जैसे क्या आपने जो काइजन किया है उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, सेफ्टी इंप्रूव हुई है, क्या इंप्रूव हुआ है, कॉस्ट कटिंग इंप्रूव, कॉस्ट कटिंग में आपने काम किया है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी। तो जहां पे भी आपने काइजन किया है, आपने जो चेंजेस किए हैं जिसमें आपको बेनिफिट हुआ है, तो आप वहां पे टिक लगा देंगे। मान लो मैंने प्रोडक्टिविटी पे टिक लगा दिया। अब क्या करूंगा, अब इसके नीचे एक दिया होता है आफ्टर बिफोर का ऑप्शन, बिफोर आफ्टर का ऑप्शन दिया होता है, बिफोर
आफ्टर, मतलब कि बिफोर का मतलब हुआ कि काइजन करने से पहले क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, और आफ्टर कि जब मैंने काइजन कर दिया है तब क्या सिचुएशन है, तब हमारा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि बिफोर में हम एक फोटो को पेस्ट कर देंगे, मतलब कि पहले क्या कंडीशन थी उसकी फोटो हम अटैच कर देंगे यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि पहले क्या क्या कंडीशन थी, हम उसको बता देंगे। अब आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में हम यहाँ पे जो हमने काइजन कर दिया है उसकी फोटो हम यहाँ पे लगा देंगे और डिस्क्राइब कर देंगे। इसके नीचे लिखा होता है बेनिफिट, बेनिफिट कि आपका बेनिफिट क्या हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने, मेरा बेनिफिट हुआ है रिडक्शन इन साइकिल टाइम, रिडक्शन इन साइकिल टाइम, या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, मान लीजिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, वो भी हमारा बेनिफिट हो सकता है। अब इसके नीचे दिया होता है नेम कि किसने किया है कायन, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट का हेड का नाम, साइन वगैरह यहाँ पे लिखे होते हैं, यहाँ पे ऑथराइज बाय और रिव्यू बाय, ऑथराइज बाय और रिव्यू बाय होता है। तो ये आपको सिंपल, आपको मैं सिंपल तरीके से समझाया है काइजन का फॉर्मेट। अब इसको हम एग्जांपल के तरीके समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम इसको करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एक मशीन है और एक स्विच दे रखा है ऑपरेटर को, ऑपरेटर को स्विच दे रखा है जिसको उसको जो वो यूज करता है प्रोडक्शन के दौरान, तो वो उससे लगा हुआ है दूर, उसको उससे दिक्कत आती है क्योंकि उसको बार बार मूवमेंट करना पड़ता है, तो उसको हमने थोड़ा पास करवा दिया है ताकि उसके लिए आसानी हो सके, सहूलियत हो सके। और हमारा क्या है कि हमारा जो है सेम उतने ही टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा पीस बना सके, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, साइकिल टाइम रिड्यूस हो सके, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे बिफोर की फोटो लगा देंगे कि क्या नाम है, बिफोर हमारी ये सिचुएशन थी, डिस्क्राइब कर देंगे, आफ्टर में हम फोटो लगा देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे कि अब हमारी ये सिचुएशन हमने इसको पास करवा दिया है, और जो हमारा इंप्रूवमेंट हुई है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है मान लो, तो प्रोडक्टिविटी पे टिक लगा देंगे, डेट लिख देंगे, बेनिफिट, बेनिफिट लिख देंगे हमारा क्या बेनिफिट हुआ है, जैसे रिडक्शन इन साइकिल टाइम, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज या प्रोडक्शन इंक्रीज जो हुआ है, जो भी आपका चेंज हुआ है वहां पे आप लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, डिपार्टमेंट लिख देंगे, डिपार्टमेंट हेड का नाम लिख देंगे, साइन हो जाएगा, फिर रिव्यू बाय ऑथराइज बाय, ये होता है हमारा प्रोडक्ट काइजन का फॉर्मेट। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप हमारे चैनल पे इस तरह की और वीडियोस भी दे सकते हैं जिससे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।